हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर चैनल। इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में दो स्लाइड्स लगवाना चाहती है। जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी और इंक्लाइंड होगी 30 डिग्री एंगल पे। और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट होगी 3 मीटर और वो इंक्लाइंड होंगे 60 डिग्री एंगल पे। तो दोनों ही केसेस में हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो लिखना है हमें फोर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, जो 5 साल से कम के बच्चे उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है 1.5 मीटर और हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन होता है साइन थीटा। यहाँ पर देखिए PBP HHB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर ये होता है साइन कॉस 10। ये मैंने बताई रखा फर्स्ट क्वेश्चन में। तो उसका रिलेशन होता है P/H। तो हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें लिखना है साइन 30। साइन हमें यहाँ पर रिलेशन है साइन, इसलिए हमें साइन लिखना है। तो साइन 30 इज इक्वल टू P/H। ये हमें परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। तो P/H, यहाँ पर P हमारी AB है, परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू AB/AC। AC हमारी हाइपोटेनस है, यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनस। तो हमें लिखना है साइन 30 इज इक्वल टू P/H इज इक्वल टू AB/AC। तो यहाँ पर देखिए अब साइन 30 की वैल्यू क्या है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 1.5 एंड AC हमें गिवन नहीं है। तो 1/2 इज इक्वल टू 1.5/AC। तो अब हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 3 मीटर। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई AC की 1 से करेंगे तो AC रह जाएगा और 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पर हमारे ये 5 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए हमारी स्लाइड की लेंथ है वो आगे है 3 मीटर। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए। तो फोर चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, हमें बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह करना है। तो यहाँ पर देखिए एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर भी वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका रिलेशन साइन से होता है। तो यहाँ देखिए साइन 60 इज इक्वल टू P/H। यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है तो हमने यहाँ पर 60 डिग्री दिया। तो साइन 60 इज इक्वल टू P/H, 60 डिग्री हमें इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो P/H, P हमारा है PQ और H हमारा है PR, तो इट इज इक्वल टू PQ/PR। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 हमारी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। यहाँ पर PQ की वैल्यू हमें 3 गिवन है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया अपॉन में PR एज इट इज। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3PR इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमने PR की √3 से मल्टीप्लाई करी तो √3PR हो गया और 2 × 3 हो गया 6। तो PR इज इक्वल टू 6/√3। हम √3 को साइड लेगा वो डिवाइड में हो गया, तो 6/√3। तो हम कभी भी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो हम दोनों तरफ रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3/√3 हमने ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 6√3/3। हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रह जाएगा और यहाँ पर 6 की हमने √3 से मल्टीप्लाई करी तो 3 हो गया। तो ये हो गया 6√3/3। तो 6 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स कर, तो ये हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर हो गया है वो 2√3 मीटर आ गया है। तो जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 2√3 मीटर।